सुमेरगंज मंडी। हाय फ्रेंड्स, मैं परमानंद सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का द साइंस एकेडमी इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी के प्लेटफॉर्म पे। आप यहां पर सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन, आदाब, सत श्री अकाल सभी है बेटा यहाँ पर। तो देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? 10th क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं। और हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा? चैप्टर नंबर 6। क्या चल रहा है? चैप्टर नंबर 6, जिसका क्या नाम है बेटा? जैव प्रकरण। क्या है बेटा? जैव प्रकरण। अरे यही चल रहा है क्या? अरे आए देखो, आपको पता होगा कि यही चल रहा है। ठीक है बेटा, इसका इसका जो पहला वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया गया है और आई होप आप सबने देखा होगा। तो देखो बेटा, जो अब आप कहोगे कि सर जो चैप्टर नंबर 1 चला है वो आपने आधा अधूरा छोड़ दिया। अरे बेटा सब करूंगा मैं, पूरे इसकी मुझे जरूरत पड़ी इसलिए मैंने क्या कर दिया, अभी ऑफलाइन में यही चल रहा है तो मैंने सोचा ये बच्चे का जो छोटा है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे चलाया है। और जो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो अभी कंप्लीट करवाया जाएगा, आप टेंशन मत करो बेटा। तो अपन का क्या है बेटा? जैव प्रकरण। ठीक है बेटा, जैव प्रकरण मैंने आपको बताया था कि जीवों में होने वाले वे सभी क्रिया है जो जीवों को क्या करती है बेटा? जीवों को टूट फाट से बचाती है और ऊर्जा प्रदान करती है। इसी को क्या कहा था अपन ने? जैव प्रकरण। तो उस वीडियो में अपन ने जैव प्रकरण पढ़ लिया था, पोषण बता दिया था, आर्य बता दिया था क्या? यस नो? अरे बताया होगा मैंने आपको। ठीक है बच्चा, तो हम आगे की क्लास शुरू करते हैं। और आज हमने पोषण पढ़ लिया था और यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बेटा? पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे? पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि पोषण कितने प्रकार का होता है। हमने ये तो जान लिया कि पोषण क्या होता है, ये तो जाना था हमने कि पोषण क्या होता है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम बेटा पोषण के प्रकार। तो देखो, मुख्यतः पोषण कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः पोषण होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है, टू टाइप का होता है। न्यूट्रिशन टू टाइप का होता है, कौन सा? एक तो होता है बेटा ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी, और एक क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ यानी कि विषमपोषी। ठीक है बेटा, एक तो होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। ठीक है, तो यहां लिख देंगे बेटा पोषण दो प्रकार का होता है, पोषण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पोषण दो प्रकार का होता है या दो प्रकार से होता है ये भी कह सकते हैं। कौन कौन सा? पहला है बेटा स्वपोषी पोषण। क्या है बेटा? स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। क्या होगा बेटा? स्वपोषी पोषण। ठीक है बेटा, स्वपोषी पोषण। और दूसरा क्या होगा? परपोषी पोषण। तो देखो बेटा, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। देखो कि जब पोषण की ऐसी प्रक्रिया, पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना खाना खुद बनाता है। क्या बेटा? पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव, सुनना लिसन केयरफुली, देखो पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना खाना खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है उसी को क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण। क्या कहेंगे बेटा? स्वपोषी पोषण। कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाता है उसे हम क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण। और स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल कौन आ जाएगा बेटा? स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल होता है बेटा ग्रीन प्लांट। क्या होता है? ग्रीन प्लांट, हरे पौधे। तो देखा, फिर अपन जानेंगे कि परपोषी पोषण होता क्या है। अरे क्या होता है बेटा परपोषी पोषण? क्या होता है कि ऐसा पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव डायरेक्ट या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होता है? ऑटोट्रॉफ पर, स्वपोषी पर
निर्भर रहते हैं उसी को क्या कहेंगे बेटा, तरपोषी पोषण। कि पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहेंगे अपन परपोषी पोषण। परपोषी पोषण निम्न प्रकार के होते हैं, वहां देखेंगे स्वपोषी पोषण। देखो बेटा स्वपोषी पोषण, तो पोषण की ऐसी प्रक्रिया, पोषण की ऐसी प्रक्रिया, पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिसमें जीव जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रिपेयर करते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं क्या कहलाएंगे बेटा स्वपोषी, क्या कहलाएंगे बेटा स्वपोषी पोषण कहलाएगा, क्या कहलाएगा स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण कहलाता है कि पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है क्या कहलाएगा बेटा स्वपोषी पोषण। और इस प्रकार से इस प्रकार जो पोषण जो जीव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं स्वपोषी जंतु कहेंगे, क्या कहेंगे स्वपोषी। इस प्रकार से पोषण प्राप्त करने वाले जीवों को क्या कहेंगे बेटा ऑटोट्रॉफ स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं या कहलाते हैं। आई बात समझ में कि देखो पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाता है स्वपोषी पोषण कहलाता है। इस प्रकार का पोषण प्राप्त करने वाले जीवों को क्या कहेंगे बेटा स्वपोषी जीव कहलाएंगे। अब देखें आप कहेंगे सर यह प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बेटा, हम ये भी आपको समझाएंगे क्या होता है, ये भी हम आपको समझाएंगे। चलो मैं बोल देता हूँ समझा दूंगा बाद में, मैं पहले यहाँ पे स्वपोषी पोषण को समझाऊंगा फिर विषमपोषी पोषण को समझाऊंगा उसके बाद आपको स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल यानी कि क्रिया कैसे होती है यानी कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है बच्चों आई होप, तो देखो अगर सेशन आपको पसंद आता हो बेटा, अगर ये सेशन पसंद आता हो तो आप यहाँ पर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और साथ में कमेंट्स भी कर दे बेटा। ठीक है तो प्रकाश संश्लेषण मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ग्रीन प्लांट हरे पौधे क्या हो जाएंगे बेटा हरे पौधे। ठीक है बेटा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या करते हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल अबे किसी को तो ये पता नहीं होगा कि साइनोबैक्टीरिया होता क्या है। ठीक है बेटा साइनोबैक्टीरिया ठीक है बेटा ये भी स्वपोषी होते हैं। ठीक है बेटा देखो हम बात करते हैं फिर आता है अपन का दूसरा पोषण और दूसरा पोषण क्या आएगा बेटा परपोषी, क्या आएगा बेटा परपोषी पोषण। अरे क्या आएगा बेटा परपोषी पोषण, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है बेटा नाम तो सुना ही होगा। ठीक है बेटा किंगकॉन है ना, अरे देखो बेटा परपोषी पोषण ठीक है तो नाम से पता चल रहा है पर का मतलब पराया, पराया का मतलब दूसरा और पोषी का मतलब जिसपे पोषित यानी कि जिससे खाते हैं
पोषण का मतलब क्या होता है बेटा? ऊर्जा प्राप्त करना एक तरीके से, ठीक है बेटा। तो पोषण यानी कि खाना, तो देखो क्या होता है कि दूसरों पर रहकर जो भोजन प्राप्त कराया जाता है उसी को हम क्या कह लेंगे, क्या कहेंगे बेटा, परपोषी पोषण। क्या कहेंगे बेटा? परपोषी पोषण। देखो अरे जीव जंतु, अरे मैं बात करूं यहां परपोषी पोषण, अरे अपन किस पे डिपेंड है, अरे किस पे डिपेंड है बेटा, परपोषी पोषण में किस पे डिपेंड है बेटा, स्वपोषी पर। तो देखो कि वे जीव या पोषण की ऐसी प्रक्रिया, पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वपोषियों से प्राप्त करते हैं। स्वपोषी मतलब अरे पौधों से उन्हीं का, उसी की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण। और स्वपोषी पोषण करने वाले जंतुओं को क्या कहेंगे, सॉरी परपोषी पोषण कहेंगे, और परपोषी पोषण करने वाले जंतुओं को क्या कहेंगे, परपोषी जंतु। तो एक बात फिर से सुनो कि पोषण की ऐसी प्रक्रिया, पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन किनसे प्राप्त करते हैं, अरे किस पर, अरे स्वपोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव किस पर निर्भर रहते हैं, हरे पौधे यानी कि स्वपोषियों पर निर्भर रहेंगे, उसी को क्या कहेंगे बेटा, परपोषी पोषण। तो चलो लिखते हैं, पोषण की ऐसी प्रक्रिया, पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिसमें जीव जिसमें जीव अपने भोजन के लिए या भोजन के लिए जिसमें जीव भोजन के लिए जिसमें भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्टली रूप से स्वपोषी से प्राप्त करते हैं क्या कहलाएंगे बेटा, परपोषी। क्या कहलाएगा? परपोषी पोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परपोषी पोषण कहलाता है। देखो मैंने क्या बोला है, पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं, स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाता है बेटा, ऐसी पोषण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी परपोषी पोषण। और इस प्रकार से पोषण प्राप्त करने वाले जंतुओं को परपोषी, क्या कहेंगे बेटा, उनको परपोषी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परपोषी जंतु कहते हैं। जैसे बात करें किसकी बेटा, मानव, गाय, भैंस, कुत्ता आदि, ठीक है। ये क्या है बेटा, परपोषी। अरे देखो, अरे अपन क्या करते हैं, अरे अपना भोजन स्वयं नहीं बना, नहीं सर, अपन का भोजन अपन बनाते, मेरी मम्मी और अपन ने लिए भोजन बनाती, तो हम क्या हो गए बेटा, अरे क्या हो गए सर, हम तो क्या हो गए, स्वपोषी। अरे बेटा नहीं, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए भोजन बना, अरे बेटा वो तो भोजन तो चेंज कर देती है, रूप चेंज कर देती है, बाकी जो आपकी मम्मी रोटी बना रही है उसके लिए अनाज कहाँ से आया, पेड़ों से आया। तो अपन किस पे डिपेंड है बेटा, स्वपोषियों पर। और पेड़ क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यस नो। अरे पेड़ क्या होते हैं बेटा, स्वपोषी होते हैं, और इनसे अपन क्या करते हैं बेटा, अपना क्या लेते हैं, भोजन लेते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो, स्वपोषी परपोषी पोषण निम्न प्रकार का होता है,
परपोषी पोषण निम्न प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का या निम्न प्रकार से होता है, ये भी बोल सकते हैं निम्न प्रकार का होता है या निम्न प्रकार से होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा बेटा, तो एक बार इसका क्या कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो। क्या ले लो बेटा? स्क्रीन शॉट ले लो। इसके बाद हम परपोषी पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आपको पसंद आया होगा तो देखो एक बार, और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, जिससे क्या होगा बेटा, मुझे और अच्छा सा पढ़ाने का क्या मिलेगा, हौसला मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ क्या पढ़ लेते हैं बेटा, परपोषी पोषण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? परपोषी पोषण के प्रकार। ठीक है बच्चों, आपके लिए चैप्टर फर्स्ट है उसका भी बनाऊंगा बेटा, रूम टेंशन मत को पूरा बढ़ाऊंगा मैं, पूरी की पूरी साइंस पढ़ेंगे यहाँ पर। तो परपोषी पोषण के प्रकार पढ़ा दो, परपोषी पोषण के प्रकार। तो देखो मैंने बताया था कि परपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है बेटा, तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है परपोषी पोषण। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे तीन प्रकार, कौन कौन से प्रकार होता है बेटा। तो पहला पढ़ेंगे बेटा मृत जीवी। क्या पढ़ेंगे? मृत जीवी परपोषी पोषण या मृत जीवी पोषण। क्या पढ़ेंगे बेटा? मृत जीवी पोषण। ठीक है बेटा, क्या पढ़ेंगे अपन यहाँ पर? मृत जीवी पोषण। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं बेटा? सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन। तो हम मृत जीवी परपोषण के पोषण किसे कहेंगे? कि पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव जंतु अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा? मृत जीवी। एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है।